बीबी मीडिया ग्रुप जयपुर प्लस न्यूज़ द्वारा पिंक सिटी जयपुर में नन्हे बच्चों के लिए किड्स फैशन शो का आयोजन रखा गया, जिसमें बच्चों ने रैंप पर टैलेंट का शो किया। मौका था किड्स फैशन शो राइजिंग स्टार कार्यक्रम का। कार्यक्रम में मेगा किड्स इवेंट की ग्रूमिंग और स्किल्स डेवलपमेंट के बाद एक्टिविटी की गई, जिसमें इस शो में पार्टिसिपेट किए गए बच्चों ने रैंप वॉक किया, साथ ही जजों के सवालों का भी तत्परता से जवाब दिया। अन्य एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी गई। शो आयोजक सुरेंद्र सिंह साजवान ने बताया कि जयपुर से 200 से अधिक बच्चों ने इस शो में भाग लिया। उधर अभिनेता अनमोल सिंह ने कहा कि इन बच्चों का टैलेंट देखकर लगता है कि भविष्य में इनमें से कुछ बच्चे बॉलीवुड और कुछ हॉलीवुड में एंट्री मारने वाले हैं। अभिनेत्री डॉक्टर मनप्रीत तनेजा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को आगे बढ़ने का मंत्र मिलता है। किड्स फैशन शो को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में सहयोगी सारा मसाला उद्योग, श्री निदान हॉस्पिटल, एनके ज्वेलर्स, तक्षशिला बिजनेस स्कूल, रावत ग्रुप ऑफ एजुकेशन, क्षितिज हॉस्पिटल, F99, स्पिरिचुअल डिजिटल धाम और बीडिया सूट वाला रहे। किड्स फैशन शो के विनर ओम माथुर, सोनाक्षी माथुर और तमन्ना मैसी रही। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट अनमोल सिंह, डॉक्टर मनप्रीत तनुजा, अन्नपूर्णा, नवीन कटारा और क्षितिज जी रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर क्लब के चेयरमैन श्री TC पाठक, रावत एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर श्री नरेंद्र रावत, चंद्रा फर्नीचर के डायरेक्टर शालिनी वेस्ट और RG बालोदा समाजसेवी रहे। इस दौरान कुछ मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक सुरेंद्र सिंह साजवान ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें रियली बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को निकालने के लिए इस तरह के फैशन शोज़ या इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और मेरा मानना यह है कि फैशन शो में मतलब कोई स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे हम कहते हैं कि अब्दुल कलाम सर थे जो उनका खुद का एक अपना स्टाइल था। अगर वाकई में व्यक्ति में दम आ जाए, खुद में उसमें कुछ काबिलियत आ जाए, तो वो उसका खुद का एक स्टाइल हो जाता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, सबसे यही कहूँगा कि अपना स्टाइल क्रिएट करें और रियलिटी पे जिएं, क्योंकि अभी जिस तरह से हम बोलते हैं कि दुनिया में सच महसूस ही नहीं कर रहे, बोलना तो दूर की बात है, तो दिखावा कम से कम हो, जो रियल ज़िंदगी है उसको बच्चे जिए और इस तरह के टैलेंट शोज़ हों और उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हार जीत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। अभी ये छोटे बच्चे हैं, आगे चल के बहुत आगे जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स वो कराते हैं। वेल, ऐसे जो शोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज यहीं से एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आजकल जैसे स्कूल्स भी बहुत फेवर करते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ के मतलब अपना टैलेंट दिखाएं। स्कूल में तो बच्चे पार्ट लेते ही हैं, लेकिन जब अपने स्कूल से हटके एक नई प्लेस में निकलते हैं, वो जो एक शेल ब्रेक करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम नेचुरली से एक और कॉन्फिडेंट सिटीजंस रेज करते हैं, जो एक दूसरे स्कूल्स के बच्चों में और फिर एक नए स्टेज पे आके खुद को प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। जितनी छोटी एज से स्टार्ट हो जाता है, उतनी जल्दी वो एक नट ब्रेक हो जाता है आपका कि हम ये नहीं कर सकते, या कुछ भी जो ऐसे आपके माइंड में है प्रॉब्लम्स, वो सब जल्दी निकल जाती हैं। तो आप बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। तो आई थिंक आगे दुनिया फेस करने के लिए एंड एक मोर कॉन्फिडेंट सिटीजन, प्लस आगे पूरे रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो कोई स्टार्स बनते हैं। कल को इन्हीं बच्चों ने हमारे बॉलीवुड स्टार्स बनना है और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट करना है इंडिया को, पेजेंट्स में सब जगह। तो आई थिंक यहीं से स्टार्टिंग होती है और ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चों को जरूर पार्ट लेना चाहिए अच्छे से।